अगर आपने भी कर्व डिस्प्ले के चक्कर में ये वाला फोन ले लिया है मोटोरोला मोटो एज 40 न्यू, तो दोस्तों बता दूं आपको कि आपका फोन तो फटेगा ही, आपका साथ में पेट भी फट जाएगा। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि फोन जो है वो बहुत ज्यादा लोगों का ये हो रहा है कि फोन फट रहा है और कौन सा फोन है, फिलहाल आप सभी को बता दूं कि मोटोरोला मोटो एज 40 न्यू ये फोन अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है। वो इसलिए क्योंकि इतने कम दाम में दोस्तों ये आप सभी को कर्व डिस्प्ले देता है, एमोल देता है दोस्तों, कैमरा सोनी का देता है, सब कुछ सही देता है। तो आखिर इसमें डिमेरिट क्या है दोस्तों? डिमेरिट इसमें यही है कि फोन बहुत ज्यादा हीट होता है। कितना हीट होता है, नहीं हीट होता है, सब कुछ दोस्तों मैं आप सभी को यहाँ पे 7 दिन यूज करने के बाद ये वीडियो ला रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। मैं इस फोन के बारे में आप सभी को पूरा अपना राय देने वाला हूँ कि क्या आपको ये फोन जो है वो 20 से 25 हज़ार के आसपास में खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है? तो वीडियो पे जरूर आगे बने रहिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अभी आगे देख लेते हैं कि फोन में क्या क्या दिया हुआ है और फोन कितना हीट होता है और कब कब फोन हीट ज्यादा हो रहा है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इस फोन का ओवरव्यू मैं आपको दिखा देता हूं, उसके बाद सारा डिटेल बारे में बात करेंगे इस फोन के, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि ये फोन कितना ज्यादा हीट हो रहा है, कब हीट हो रहा है और क्यों हीट हो रहा है, आखिर आपको इसको किस तरीके से यूज करें। तो सबसे पहले देख लीजिए इसका बैक साइड और फ्रंट साइड किस तरीके से। तो ग्रीन कलर में दोस्तों मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया मोटोरोला का एम, आपको दिख जाएगा दोस्तों। कैमरा वगैरह सब कुछ इसमें तगड़ा वाला दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्प्ले कर्व दोस्तों उसी का पैसा ले रहा है, बाकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो उतना ज्यादा खास स्पेसिफिकेशन नहीं है जितना ये दोस्तों ऐसा लिया है, ठीक है? क्योंकि मैं अभी पोको X3 यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, उसके टक्कर में कैमरा वगैरह उसका इतना अच्छा से सही नहीं आ रहा है, मैं आपको जो भी बोलूँगा क्लियर बोलूँगा। तो चलिए सबसे पहले तो अबाउट फोन में जाकर दिखा देते हैं कि फ़ोन जो वही है कि नहीं, क्योंकि दोस्तों आप सभी को यहाँ पर लगेगा कि कोई और फ़ोन है, मैं कंपेरिजन करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अबाउट फोन सर्च कर लेंगे और अबाउट फोन में यहाँ पर से आप सभी को दिखा देंगे कि भाई ये मतलब क्या है, कौन सा मॉडल है। चलिए मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया, सर्च करने के बाद यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि अबाउट फोन में यहाँ पे डिवाइस नेम लिखा हुआ मोटोरोला मोटो एज 40 न्यू करके यहाँ पे लिखा हुआ है और दोस्तों सब कुछ यहाँ पे दिया गया है और प्रोसेसर वगैरह भी तगड़ा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोसेसर में ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं आप सभी को ऐसा बोलूँ कि हाँ भाई फ़ोन ख़राब है। जो चीज़ रियल होगा मैं रियल जेन्युइन के साथ आपको बताऊँगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पे कैमरा के बारे में बात करें तो यहाँ पे कैमरा से मैंने यहाँ पे कुछ फोटो वगैरह क्लिक किया, यहाँ पे मैंने इसको जूम करके देखा दोस्तों, मैंने इस पर वीडियो भी बना करके देखा। तो फिलहाल यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं अभी आपके सामने इसको जूम कर रहा हूँ और क्लैरिटी दोस्तों एक एक पत्ते की यहाँ पे आपको दिख जा रही है, ठीक है? मतलब हेवी आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी मैं आप सभी को इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया, वीडियो का मैं आपको सैम्पलिंग दिखा देता हूँ, तो वीडियो भी आप देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे मैंने इसी से वीडियो रिकॉर्ड किया, मैंने देखा कि भाई क्या रिकॉर्डिंग, इसका क्वालिटी वगैरह क्या आ रहा है, बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वालिटी वगैरह सब कुछ सही है, ठीक है? तो आखिर फोन में प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? कैमरा वगैरह सब कुछ सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो प्रॉब्लम कहाँ है मैं आप सभी को आगे बताने वाला हूँ, ठीक है? यहाँ पे देख सकते कि फोटो वगैरह मैंने लिया, अल्ट्रा वाइड में क्लिक किया, सब कुछ यहाँ पे मैंने चेक किया कि भाई अल्ट्रा वाइड में कैसा आता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप सभी को जो है वो इमेज स्टेबिलाइजेशन देता है, यानी कि अगर आप कोई फोटो वगैरह क्लिक करते हैं तो वीडियो आपका सही होता है, फोटो आपका सही बनता है, मतलब बिल्कुल स्टेबल टाइप से आपको बनता है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों यहाँ पे कर्व डिस्प्ले की वजह से मतलब लगता है कि भाई फोटो खिला खिला है। अभी एक फोटो मैंने क्लिक किया, उसका डिटेल आप देख लीजिए, तो देख सकते दोस्तों उसी फ़ोन से मैंने एक फोटो खींचा और अभी इसके डिटेल के बारे में बात करें तो मैं आप सभी को जूम करके दिखाऊंगी कैसा डिटेल है, ठीक है? देख सकते कि डिटेल बिल्कुल दोस्तों HDR है, आपके सामने देख सकते कि किस तरीके से खुल रहा है, मतलब बिल्कुल ज़बरदस्त क्वालिटी दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्वालिटी देखिए, मतलब इतना दूर से मैंने इसको खींचा ना, लेकिन फिर भी देखिए कि मतलब क्या ही बोलूँ इसके बारे में दोस्तों, क्वालिटी वगैरह बिल्कुल ज़बरदस्त है। देखिए इतना दूर से मैंने खींचा, फिर भी देखिए आप कहाँ तक जूम करके आप सभी को दिखा रहा है, ठीक ना? तो इस मामले में दोस्तों डन है, लेकिन इसमें आखिर डिमेरिट क्या है जिसकी वजह से मैं आप सभी को बोल रहा हूं कि फोन नहीं लेना, फट जाएगा? दोस्तों ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक ना? मैं आपको रियली में बता देता हूं कि सबसे पहले आप जब फोन लेंगे तो सबसे पहली बार आप इसको चार्ज करेंगे तो चार्ज करने के बाद क्या होगा कि आपका फोन जो है वो हीट करेगा, ठीक है? फर्स्ट बार में, सेकेंड बार में हीट करेगा, थर्ड बार में दोस्तों कम हीट हो जाएगा, धीरे धीरे हीटिंग का प्रॉब्लम आपको खत्म हो जाएगा, ठीक ना? उसके बाद क्या है कि फोन वगैरह फट जाएगा, नहीं फटेगा दोस्तों, ये बिल्कुल बोलने वाली बात है, क्योंकि काफी लोग इसके ऊपर र्यूमर फैला रहे थे कि भाई कम दाम में अच्छा चीज दे रहा है, तो मतलब
मतलब इसको ये करो, इसको रोस्ट करो, ऐसा करके लोग कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, ऐसा कोई नहीं है कि फ़ोन फट जाएगा भाई। अगर आप 20 से 25 हज़ार रुपये लगा रहे हैं तो फटने के लिए नहीं लगा रहे दोस्तों, ऐसा कोई बात नहीं है। फ़ोन आप आसानी से परचेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस यही है कि थोड़ा मोड़ा हीट होता है कभी कभी, तो उतना आप तो मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को हमेशा लाइक करते हुए जाएगा, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अपने चैनल के थ्रू मैं आप सभी को सिर्फ और सिर्फ रियल, जेन्युइन और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता रहता हूँ।